ग्राम पिपलजोपा में सोमवार शाम को खेड़ापति हनुमान मंदिर प्रतिमा को अज्ञात व्यक्ति द्वारा क्षतिग्रस्त कर दिया गया, जिससे कि ग्रामीणों में जमकर आक्रोश व्याप्त है और घटना की जानकारी लगते ही मंदिर परिसर में ग्रामीणों की भीड़ एकत्रित हो गई। भगवानपुरा पुलिस भी मौके पर पहुंची और जांच में जुटी हुई है। ग्रामीणों ने बताया है कि ग्राम के खेड़ापति हनुमान मंदिर में अज्ञात बदमाशों द्वारा तोड़फोड़ की गई है, जिससे कि हनुमान जी की मूर्ति नंदी आदि को नुकसान भी पहुंचाया गया है। घटना से आहत ग्रामीणों ने मंगलवार को गांव बंद कर ऐलान किया है और साथ ही जल्द से जल्द आरोपी को पकड़कर उस पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग पुलिस से की गई है। फिलहाल भगवानपुरा पुलिस खरगोन से बुलाई गई है और FSL की टीम के साथ मंदिर परिसर में जांच में लगी हुई है। क्या मामला था भैया? आज लगभग 4 से 5 बजे के बीच में ग्राम पिपलजोपा में हमारे जो आराध्य भगवान हैं खेड़ापति हनुमान जी, उनकी मूर्ति को खंडित किया गया है। हम यहाँ थाने पे उसी विषय को लेकर आए और यह हम सभी हिंदुओं के आस्था का केंद्र पे आघात है, चोट है। हम सभी को बड़ा दुख है कि जब हमारे देवी देवता ही नहीं सुरक्षित है तो हम हिंदू समाज के लोग कैसे सुरक्षित रहेंगे। इस बात को लेकर हम पिपलजोपा के सारे ग्रामवासी थाने पे आकर और FIR कर रही है और जल्दी से जल्दी जो भी अज्ञात व्यक्ति है या व्यक्ति का समूह है उनको जल्दी से जल्दी प्रशासन कार्रवाई करे, उनको पकड़े। इसीलिए हम आज यहाँ थाने पे एकत्रित हुए। भगवानपुरा जनपद के ग्राम जूना बेलवा से धूल को तक पक्की सड़क निर्माण की मांग को लेकर मंगलवार को मुख्यालय पर आदिवासी समाजजनों ने प्रभावी प्रदर्शन किया है। ज्ञापन देने आए ग्रामीणों को कलेक्टर कार्यालय के प्रवेश द्वार पर रोके जाने के बाद ग्रामीणों ने सड़क पर धरना दिया और जागृत आदिवासी दलित संगठन और जयस के बैनर तले हो रहे प्रदर्शन की पूर्व सूचना के चलते भारी पुलिस बल तैनात रहा है। मुख्य द्वार पर बैरिगेटिंग कर दी गई है। इससे रैली में शामिल ग्रामीण आक्रोशित हो गए हैं। उनका कहना था कलेक्टर ने दिवाली के समय उन्हें आश्वासन दिया था रोड का काम जल्द शुरू करेंगे, लेकिन अब तक कलेक्टर कोई प्रक्रिया में नजर नहीं आए और नतीजन हम कलेक्टर को उनका वादा याद दिलाने आए हैं।